चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्या दिया गया, देखिए स्टेटमेंट, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया गया है, इससे इस ग्राफ पे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कहां कहां पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे, वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है इस पे, दोनों केसेस में एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया गया हम लिख ले रहे हैं, यहां हम लिख लेंगे क्या दिया गया हमको, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया, हम क्या करेंगे इसके लिए वैल्यू टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू टेबल बनाते हैं। ठीक, इसके लिए वैल्यू टेबल, तो क्या करते हैं पहले यहां से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम करते हैं तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, तो वही है प्लस एक्स आ जाएगा तो माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। चलिए इसके लिए वैल्यू टेबल यहां बना लेते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू और यहाँ पे पॉइंट्स। अगर दो क्वाड्रेंट निकाले, दो पॉइंट निकाले तब भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, अब एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है कि वाई की जो वैल्यू आए वो इंटीजर आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। चलिए तो एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, यहाँ पे जीरो ले लिया तो जीरो हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू, यानी आपका क्वाड्रेंट आ जाएगा ए जीरो कॉमा टू। ठीक, अगर यहाँ वन ले लें, एक्स की वैल्यू वन ले लें, टू माइनस वन यानी वन, यानी वाई इक्वल टू वन, यानी वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी, यानी क्वाड्रेंट बनेगा वन कॉमा वन। फिर यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी ले, टू ले लें, टू ले लिया एक्स की वैल्यू का, टू ले लिया तो टू माइनस टू यानी जीरो, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ए बी सी, सी वाला कोऑर्डिनेट कितना आया टू कॉमा जीरो आया। ठीक है, अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे इस ग्राफ पेपर पे दिखा देंगे। चलिए तो हम लिख दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, प्लॉट दीज पॉइंट्स, प्लॉट प्लॉट दीज पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, ए जीरो कॉमा टू, उसके बाद बी कितना वन कॉमा वन, एंड सी, सी कितना है टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो। कहाँ दिखाना है, ऑन ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर, और क्या करना है दिखाने के बाद, एंड ज्वाइन देम, और उनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और स्केल पे उनको ज्वाइन कर देना उन पॉइंट्स को। चलिए दिखाते हैं, तो सबसे पहला देखिए ये वाला जीरो कॉमा टू, तो जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू यानी एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू टू, तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन देखिए ओ बना है, ओ यानी ओरिजिन, यहाँ स्टार्ट करेंगे जीरो कॉमा टू, जीरो जीरो यानी यही रह जाएगा, और टू टू वो भी पॉजिटिव, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो जीरो कॉमा टू ये हो गया, तो हम लिख दे रहे ये हो गया हमारा जीरो कॉमा टू। उसके बाद बी वाला क्या जाएगा, बी कोऑर्डिनेट वन कॉमा वन, वन कॉमा वन यानी एक्स की वैल्यू भी वन, वाई की वैल्यू भी वन, और दोनों पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू वन यहाँ, वाई की वैल्यू वन ऊपर, ये देखिए एक्स की वैल्यू ये वन, वाई की वैल्यू वन ये, तो यहाँ पे आएगा इसके सामने ये लिख दे रहे हैं। चलिए ये हमने पॉइंट बना दिया, ये कितना है, इसको भी लिख दे रहे हैं, ये बी है वन कॉमा वन। इसके बाद लास्ट देखिए सी, सी वाला क्या देगा टू कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू टू भी पॉजिटिव, तो कहाँ आएगा यहाँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू जीरो, जीरो यानी यही रह जाएगा, ये वाला हो गया आपका, इसको भी लिख देंगे हम ये बी, ये है क्या सी, ये है टू कॉमा जीरो। चलिए ये भी कोऑर्डिनेट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये ऐसे स्केल रखिए, ये हमने क्या किया स्केल रखा, उसके बाद इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, बढ़ा लेंगे इसको, बढ़ा लेंगे इस लाइन को, लाइन को बढ़ा लेंगे, ये बढ़ाया थोड़ी सी, इधर भी बढ़ा ले रहे हैं, चलिए ये बढ़ा लिया गया। ठीक है, ये लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन क्या था इसका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। ठीक, अब यहाँ देखिए पॉइंट्स जो आए थे, ये देख लीजिए, ये आया था जीरो कॉमा टू, ये आया था वन कॉमा वन, और ये आया था टू कॉमा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, ये देखिए एक ट्राइंगल बना है, ये माइनस वन लिखा हुआ, इसको लिख दे रहे थे माइनस वन। यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बना है, देखिए ओ ए, ये वाला ए है ओ ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा सी, ओ ए सी ट्राइंगल बना ना, ओ ए सी ट्राइंगल बना। अब इसी ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एक बार एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है ना, इस पे एरिया निकालना है, यानी एक बार बेस इसको लेना है, और एक बार वाई एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टल, सॉरी
यानी वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन पे। एक बार हमें एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे लेना है, यानी इसको बेस लेंगे, और एक बार वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल यानी ये वाला वाई एक्सिस पे इस बार बेस इसको लेना है, ठीक है। तो दोनों केसेस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एरिया निकालना है। चलिए निकालते हैं, इसको मिटा देना है, ये समझ में आ गया, एरिया निकालते हैं। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, कहां पे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस जब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, देखिए एक्स एक्सिस पे ले, एक्स एक्सिस ये है तो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × बेस × हाइट, तो 1/2 × बेस, बेस कितना है, बेस ये देखिए यहां से यहां तक यही बेस है, यानी ओसी, बेस क्या है ओसी इंटू हाइट, हाइट क्या है ये ओए, ओए हाइट क्या है ओए या एओ, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × ओसी, कितना है ओसी, ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, कितनी यूनिट 2 यूनिट है, यहाँ 2 लिख दे रहे ओए, ओ से लेके यहाँ देखिए ओ से लेके ए तक यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी यूनिट है 1 यूनिट 2 यूनिट, ये भी कितनी है 2 यूनिट है, यहाँ पर रख दे रहे 2 यूनिट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आया कितना 2 आया, एरिया है तो इसलिए हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, एरिया का यूनिट स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या होता है यूनिट स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ऑन एक्स एक्सिस हो गया, ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस निकालेंगे फिर भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी फॉर्मूला तो आपको पता ही, 1/2 × बेस × हाइट, इस बार हम कहां से ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, देखिए इस बार ऐसे इधर से खड़े होकर देखेंगे, ये बेस क्या लेंगे ये लेंगे, इसको वाई एक्सिस को लेंगे बेस, ठीक है, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेंगे हम यहाँ पे 1/2 × बेस × हाइट, तो जब वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो बेस कितना होगा, बेस होगा ओ ए या एओ, बेस होगा एओ या ओ ए, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे ले रहे हैं तो हाइट हो जाएगी ओसी, हाइट क्या हो जाएगी ओसी। चलिए यहाँ रखते हैं 1/2 × एओ, एओ कितना देखिए यहाँ देख रहे बेस वाई एक्सिस पे बेस ये होगा एओ, ये कितना 1 यूनिट 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट है। उसके बाद ओसी ले रहे, ओसी क्या है y एक्सिस पर जब निकालेंगे तो OC क्या है, OC है हाइट, OC, OC कितनी डिस्टेंस देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, ये भी कितनी है 2 यूनिट, यहां भी लिख लेते हैं 2 यूनिट, तो यहाँ 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना ये 2, यानी 2 यूनिट स्क्वायर, यानी 2 यूनिट स्क्वायर। तो दोनों जगह देखिए x एक्सिस पे निकालते तब भी एरिया 2 यूनिट स्क्वायर आता है, y एक्सिस पे आप निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया तब भी कितना आता है 2 यूनिट स्क्वायर आता है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, कर लीजिए।